कैसे अपने अंदर सरस्वती जागृत होती है ये थोड़ा समझिए। और जब सरस्वती जागृत हो जाती है तो हम सच से जुड़ जाते हैं। जनरली हम मन की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से काम करते हैं, सरस्वती की शक्ति से काम नहीं करते हैं। जब सरस्वती की शक्ति से काम करेंगे, जिसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, जिसको विवेक कहते हैं, इंट्यूशन अंतर्ज्ञान कहते हैं, उसी को कुंडलिनी पावर कहा जाता है। वो तो सो रही है, इसलिए शिक्षा वो है कि वो जगे। हम किताब पढ़ करके जो कहते हैं कि सच है गलत है, ये सही नहीं है। सच और गलत जो कहते हैं वो ठीक नहीं है। वो जो किताब में पढ़े हैं वही लिखा हुआ है। सच गलत क्या है इसको समझने के लिए हमें अपने अंदर सरस्वती को जगाना पड़ता है। अब देखिए कैसे जगती है। एक कॉयल खरीदिए, उस कॉयल में विद्युत प्रवाहित करिए। तार इतना अच्छा हो कि विद्युत की तीव्रता बढ़ाते जाइए, तार पिघले ना। आप इसमें विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो ये पूरा कॉयल एक चुंबक की तरह बन गया। चुंबक की तरह बन गया तो एक तरफ धन और ऋण हो गया। ये समझाने का तरीका है। धन ऋण होता नहीं है, लेकिन इसी विधि से समझाएंगे। आप शक्ति को बढ़ाते चले जाइए तो धन और ऋण और दूर चला गया और बीच में एक नई शक्ति आ गई। जो नई शक्ति आ गई वो तार में नहीं प्रभावित हो रही है, उसके लिए कोई तार की आवश्यकता नहीं है, बीच से जा रही है। इसी को कहते हैं सरस्वती, इसी को कहते हैं इंट्यूशन, इसी को कहते हैं प्रज्ञा बुद्धि, इसी को विवेक कहते हैं। हम इसको कैसे अपने अंदर लें यही समझना है। अब देखिए इसके अंदर जो शक्ति आ रही है, ये मेडुला में शक्ति आई, ऊपर से नीचे की तरफ आई, एक डायरेक्शन रहा, फिर शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ गई। ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जब गई तो क्या हुआ? ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे जा रही है। जैसे ऐसे हुआ, लगातार जा रही है, लौट नहीं रही है। यहाँ लौट नहीं रही है, लगातार जा ही रही है। ये चल रही है। चलने की क्रिया जब तेज हो गई है, जब चलने की क्रिया तेज हो गई तो यहाँ तीसरी शक्ति जग गई, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। लोग कहते हैं कि जब कुंडलिनी पावर जगती है तो खतरा होता है, ये कभी मत सोचिए। वो तभी जगेगी जब शरीर तैयार है। जब तक इसको तैयार नहीं करिए तो जगेगी नहीं वो। तो इसी जो तीसरी पावर है जिसको हम लोगों ने समझा, यही सरस्वती है। इसी को विवेक कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में वो जो बोलते भगवान उवाच, वही है कुंडलिनी का आवाज़। आदि शंकराचार्य ने कहा है जिसे कर्मकांड कहते हैं उससे ज्ञान नहीं आता है। जो लिखा जाता है अक्षर, ये रिचुअल है। ये हमने भगवान राम कृष्ण गणेश सबको बनाया, ये रिचुअल है। ये वहाँ बैठ करके कुछ भी कर डालिए आपको अनुभूति नहीं होगी। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। आदि शंकराचार्य लिखते हैं, आपको हम सुनाते हैं। Outward ritual cannot destroy ignorance because they are not mutually contradictory. जिसे हम outward ritual, जिसे हम कर्मकांड कहते हैं, हमने आम बनाया, आम पढ़ाया, इसको खाइए, नहीं खा पाएंगे। हमने जो कुछ कहा किताब में लिख दिया, पढ़िए, समझ में आएगा, नहीं आएगा। हमारे गणेश भगवान हैं, भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, उसको बैठ करके बैठे रहिए, नहीं मिलेंगे। फिर क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य? रोट शंकराचार्य इन हिज फेमस सेंचुरी ऑफ वर्सेज, रियलाइज नॉलेज एलोन डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस। केवल जो नॉलेज, जो ज्ञान को एक्सपीरियंस करते हैं वही अज्ञानता दूर करता है। अगर हम राम का चित्र रख करके और राम के बारे में सोच करके, राम विष्णु के अवतार हैं जो सबकी सुरक्षा करते हैं, राम का चित्र रखे, जो भी काल्पनिक चित्र है,
राम का, हनुमान जी का, कृष्ण का, किसी का, और अपने अंदर में अहिंसा की शक्ति प्रकट हो गई, अपने शत्रु की भी रक्षा करने को तैयार हो गए, तैयार ही नहीं हो गए, ज्ञान भी हो जाए, कैसे हम सबकी रक्षा करेंगे, ज्ञान भी हो जाए, हम तैयार भी हो जाएं, तो जो कुछ मैंने किया था रिचुअल वो केवल एक शुरुआत थी, उसको देखते ही ज्ञान प्रकट हो गया, क्योंकि किसी जन्म में ज्ञान प्रकट हुआ था।